जो है ना ये छोटे राइडर आए हुए हैं। ओए हाँ चला, ए इन्होंने नेड़े घोड़े तो रख लवा ना जरा, एक वीडियो अच्छी जी बन जाए। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस क्या हाल चाल है, उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। तो यार आज तो बहुत ज़्यादा फॉग पड़ी है, आज तो हमें काम भी बहुत ज़्यादा थे, अभी हम सोए उठे हैं। आपको दिखाते हैं, अभी ऊपर तो बड़ी फॉग है, इधर तो थोड़ी सी आपको काम ही नज़र आ रही होगी। मैंने कहा यार चलो थोड़ा सा आपको विज़िट करवाएँ, ये अल्लाह ताला का घर मस्जिद। तो अभी हम सुबह सुबह उठे थे थोड़ा सा बाहर ना, और अभी हमने जाना है, आज हमें बड़े काम है, गाड़ी का काम वगैरह करवाना है, फॉर्म भी जाना है। डेली रूटीन आपसे शेयर करते हैं क्या सीन है, क्या सिनेरियो। हाँ जी तो यार अभी हम फिर फॉर्म पे आ चुके हैं, नहा धो के जो है ना फ्रेश हो के, तो अभी ये लेबर लगी हुई है और इसके बाद हमने जाना है सिटी। आज इनकी जनाब चौथी ट्राली जो है वो आ चुकी है, ये हमारे टाइसन साहब और चेरी वगैरह, तो ये अब ऐसे तरतीब से जोड़ते आएंगे और ये फुल हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी तो यार अभी हम जा रहे हैं, शहर जाना है, सिटी जाना है, वहाँ जो कल टायर वगैरह डलवाए हैं इसकी अलाइनमेंट वगैरह करवानी है, गाड़ी वगैरह वॉश करवानी है, और उसके बाद थोड़ा सा गाड़ी का काम होने वाला है वो भी करवाना है। तो आज हम अपना दिन देंगे सिटी में ना, आज हमारा सारा टाइम जो है ना सिटी में स्पेंड होगा। तो मज़ीद आपको जो है ना अपनी साथ साथ अपडेट देते जाते हैं। आज वैसे सुबह तो अच्छी खासी फॉग थी और अभी बड़ी अच्छी धूप निकल आई है, देखिए ना चेक करवाते हैं आपको, क्लियर हो गई हर चीज़। हाँ जी तो यार अभी हम आ गए हैं एक टाउन में, यहाँ से हम अपने दोस्त को पिक करेंगे और फिर हम जाएंगे गाड़ी का काम करवाने। थोड़ा सा ना आपको ये टाउन का थोड़ा व्यू शीव दें, ये उसका घर है, ये खड़ा हुआ जनाब ने वेट का बोला। हाँ जी तो यार अभी हम सिटी आ चुके हैं, ठीक है। तो आज यार काफ़ी रश है सर्विस स्टेशन पर, मुझे लगता है धूप वगैरह निकली हुई है, और ये ऑयल चेंजर है, ठीक है। ये हमारी जनाब गाड़ी जो है ना वो आगे लग चुकी है और हमारी गाड़ी काफ़ी गंदी हुई हुई है, और लेकिन ये है कि वो बंदे जाने वाले थे और हमारी ज़रा जल्दी लग गई है। तो यार ये जो है ना हम निकल आए हैं, गाड़ी हमने वहाँ खड़ी कर दी है और हम ना जनाब चिंची पर ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने कहा आपको जो है ना चिंची जो है वो किधर दिखाएँ जो है ना, ये इसमें कैसे, ये हमारे सरगोधे का लड्डा बाजार, ठीक है। ये भाई ने जैकेट पहनी हुई है, यार कहा कि आपको जो है ना ये विजिट वगैरह करवाए साथ साथ। हाँ जी तो यार इधर सरमद साहब हमारे पास आ चुके थे और सरमद साहब का बिल्कुल दिल नहीं था कर रहा, सरमद फुल सुल्तान से डर रहा था, ठीक है। लेकिन इसे गिरने में बड़ा मज़ा आना था, लेकिन मैं पास था, सरमद को गिरने थोड़ी दे सकता था, लेकिन उसे यही था कि यार मैं शायद गिर जाऊँगा, क्योंकि उससे सुल्तान की जो हाइट है ना वो बहुत ज़्यादा लग रही थी। ये जनाब टाइसन साहब बैठे हुए हैं और सरमद साहब का आधा डर जो है ना आधा हूँ टाइसन ने पिया हुआ था, ठीक है। ये सरमद साहब से बैठा नहीं जा रहा और हम जनाब फिर एक चेयर ले आए, हमने कहा चलो यार बिठाते हैं, बिलाल साहब ने भी पकड़ा हुआ और मैंने भी पकड़ा हुआ था, और सरमद साहब फिर भी नहीं थे बैठ रहे, ठीक है। बड़ी कोशिशों के बाद जनाब सरमद को राज़ी किया, यार ये कुछ नहीं किएगा, मैं पास जो खड़ा हूँ, लेकिन सरमद बिल्कुल बिना बात मान के राज़ी नहीं था, ठीक है। इस वजह से मैंने कहा यार चलो सरमद को थोड़ा सा जराना करते हैं, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा इसे मसला बनता है, लेकिन सरमद साहब नहीं थे बैठ रहे, ठीक है। खैर सरमद साहब ने सीट को पकड़ा हुआ था और मैंने इसे बड़ा ही कहा, पर सरमद बहुत मुश्किल से फिर बैठ ही गया, ठीक है। और वो जनाब फुल डर रहा था, वो कह रहा था आपने घोड़ा छोड़ना नहीं है, और मेरा तो दिल यही था कि एक दफ़ा सुल्तान को छोड़ा जाए और ये सरमद को थोड़ी सी राइड करवाए, लेकिन सरमद का बिल्कुल जो है ना दिल नहीं कर रहा था, ठीक है। और मैं सरमद के पाँव की यहाँ एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, मैंने कहा यार पाँव को ज़रा अच्छे तरीके से, क्योंकि जब भी घोड़े पर बैठे तो अच्छे तरीके से मैनेज करके बैठे ना, क्योंकि घोड़े पे बैठना आसान काम नहीं है। फिर जनाब मैंने इसके जो स्टीयरिंग है सुल्तान का, ये जनाब सरमद को दिया, मैंने कहा चलो यार अब ये तुम्हारे हवाले है। सरमद साहब फिर रो पड़े, सरमद ने कहा नहीं यार ऐसे हो नहीं सकता, ठीक है अभी मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट है, ऐसे ना करो। ये जनाब फिर उसे मैं थोड़ा सा ना बता रहा था, इधर ये देखिए ना, और टाइसन साहब को हमने वो साइड पर बिठाया हुआ था और सरमद को जनाब ऐसे हम झूले दे रहे थे, और बिलाल वीडियो हमारी बना रहा था, छोटा बिलाल ना,
तो अभी हम जा रहे थे, सरमद ने कहा यार इसे छोड़ना मत, ठीक है, अगर इसे छोड़ दिया ना तो फिर मैं गया। बस इसी चक्रों में सरमद साहब चल रहे थे, ये जनाब सुल्तान जो है सरमद को अब राइड दे रहा है। फिर इसके बाद हम आपको एक अच्छी सी राइड इस पे करके दिखाएंगे। बाकी यार ये जो हमारे फार्म वाला काम है, किसी दिन हम आपको अपने फार्म की प्रॉपर वीडियो बना के जो है ना दिखाएंगे कि हमने कौन से एनिमल्स रखे हुए हैं और कौन कौन से एनिमल हमारे पास मौजूद होते हैं और कौन से एनिमल को हम कौन से फीड देते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे पास जानवर हैं ना इन सब की अलग फीड है। इधर देखें जनाब बड़ा प्यारा व्यू बना हुआ है, ठीक है, ये वो पीछे आपको सूरज नज़र आ रहा है और ये जनाब इधर मैं बोल रहा हूँ। चलो दे दो इंट्रो। पिया ठीक है, मैंने कहा सरमद साहब चलो अब यहाँ से ना मैं तुम्हें फिर सुल्तान को आगे से पकड़ लेता हूँ, क्योंकि सरमद साहब बिल्कुल डर रहे थे। सरमद साहब का बिल्कुल दिल नहीं था ना कि यहाँ कुछ भी ऐसी हरकत की जाए जिसकी वजह से सरमद साहब को रोना पड़े। खैर सरमद ने अच्छी राइड की ना, तो सरमद को जनाब ये जूपी शूपी भी साथ थे और सरमद बार बार मुझे एक ही बात कह रहा था, यार इसको बांध दो इसको बांध दो। उसके बाद जनाब हम आगे अपने दूसरी साइड पे जाम सुल्तान को रोज बिठाते हैं और ये हम पूछ रहे थे। हाँ जी बिलाल साहब मजा आया, वीडियो प्रॉपर अच्छी बननी चाहिए। मैं क्या क्या पकड़ूं? अच्छा ये लो बिलाल साहब एक सुल्तान को टूर देते हैं। इधर जी फिर हम हूद सुल्तान पे ज़रा ना एक दफ़ा राइड करने लगे थे, हमने कहा चलो यार सरमद को एक दफ़ा राइड करके दिखाते हैं। अगली दफ़ा यार हमारे साथ सादुल्ला भी होगा, हमज़ा भी होगा, शहजाद होगा, हसन होगा, फिर हम इसको प्रॉपर राइड देंगे ना। तो अभी जनाब मैं अब सुल्तान के ऊपर बैठने लगा था तो सरमद जी कह रहा था आप खुद कैसे बैठ जाओगे, लेकिन उसे क्या पता यार हम रोज़ ही बैठते हैं। खैर अब फिर हम जनाब सुल्तान को लेके इस साइड पर चल दिए, ठीक है, अब बिलाल हमारी वीडियो बना रहा है। तो सरमद कह रहा था किस अंदाज से सुल्तान को चलाना चाहोगे, मैंने कहा यार कोई मसले नहीं है तुम देखना, वो सुल्तान को लेके हम जा रहे हैं हवाओं में, यकीन करें जब सुल्तान भागता है ना तो रूह खुश हो जाती है, ठीक है। मैं कहता हूँ दुनिया में कोई चीज़ या कोई आपको ऐसा नशा हो ही नहीं सकता जो आपको एक घोड़े पे हो सकता है। वो जो हमने पट्टी बनाई हुई है जनाब सुल्तान को मैं लेके एक मिनट से पहले पहले मैं वहाँ पहुँच गया, ठीक है, वो हम उधर ही थे अभी और ये बिलाल और सरमद साहब इधर ही खड़े हुए थे, ठीक है। अभी हम ये अब अपना व्यू दे रहे हैं आपको, व्यू चेक करें यार, व्यू ये बहुत अच्छा है, हमारे फार्म की बैक साइड है और यहाँ व्यू बहुत ज़बरदस्त आता है। खैर अभी अभी हमने यहाँ वहाँ से ना ज़रा पट्टी बढ़ा के आना है सुल्तान को, क्योंकि सुल्तान को हम ना इन फ्यूचर नेज़ाबाजी की तरफ लेके जा रहे हैं जिसकी वजह से सुल्तान को बड़ी ज़रूरत है इन चीज़ों की। तो लेकिन आप ये व्यू चेक करें, इधर हमारे साइड पे व्यू इतना अच्छा है कि यार जितने घोड़े हों उतने कम लगते हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर यार हमने एक घोड़े और के लिए किया हुआ है बंदोबस्त, हमने एक और ले आना है सुल्तान का भाई जो है ना। ये देखें जी हम वापस आ रहे हैं फुल स्पीड से, जो है ना सुल्तान हमें ले के आ रहा है, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर जनाब सुल्तान हमें ले के, वो है सुल्तान का जो दिल है ना वो यही करता है कि मुझे ना ये फार्म वाली साइड पर ले के जाए ना, क्योंकि आगे से जगह ज़रा कम पड़ जाती है और सुल्तान साहब का बिल्कुल रुकने का दिल नहीं करता, लेकिन कोई नहीं यार हम रोक ही लेते हैं सुल्तान को, नो इशू। खैर अभी हम यहाँ से वापस आ रहे हैं, हमने कहा चलो यार अब ये जनाब बिलाल साहब ने हमारी बड़ी प्रॉपर वीडियो बनाई है, ठीक है। इसके बाद हमने सुल्तान को ना एक ही चक्कर दिलाया, सुल्तान साहब मस्ती कर रहे थे, उल्टा सुल्तान साहब का दिल था कि मुझे ना गिराया जाए। खैर इधर जनाब हमारे बच्चे, हमारे बट्टी साहब आज इनसे छोटे छोटे भांजे भतीजे जनाब ये सारे, इन्होंने कहा जनाब हमने आज जो है ना सुल्तान पे राइड करनी है। ये माशाल्लाह छोटा बहुत क्यूट था, ये हमारे ये भांजा ऊपर बैठा हुआ है जो है ना, ये जलालपुर से स्पेशल है, और ये छोटा जो है ये 51 चक है, ये बड़ा खुश था। इधर जनाब भट्टी साहब जो है ना इसको दे रहे हैं, तो ये जनाब भट्टी साहब इसको अब थोड़ा सा जरा राइट साइड करवा रहे हैं, आप जरा देख सकते हैं ध्यान से।
अब ये सरमत साहब को लग गया कि ये बच्चे बैठ गए, अब मुझे तो सही तरह प्रॉपर बैठना पड़ेगा। और मैंने कहा सरमत साहब अब तो तुम्हें बैठना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये छोटे बच्चे ले देखो रहे भाई हैं तो तुमने फार्मा भी तो तो ले साथ ही दे। लेना है ना। तो वो जनाब सुल्तान को ना बड़े अच्छे तरीके से बजा रहे थे। हाँ ओके जी, अभी ये राइड कर रहे हैं, अब बारी बारी इन सब बच्चों का। सरमत साहब अब आपकी भी बारी आनी है, फिर अब तो बनता है, हैं फिर छोड़ के बनता है। चल यार छोटे भी नाल बहो, ए भाई जी छोटे नु नाल बहो जरा, वो आंदा बहना है, पर मैं तो ना आप बह तो नाल अगे बहा। अब जनाब ये उतर गया बट्टी साहब, और वो छोटा चूचा जो है वो ये बैठने लगा था। और बंदा बट्टी है साहब ने भी आज काफ़ी दिन हो गए चाचू राइड नहीं बैठने की लगे थी, हैं। और बट्टी साहब का बहुत ज़्यादा दिल था कि चल ना मैं आज चल जरा ना इसको, मैंने तो कहा बट्टी साहब इसे चल ज़रा चल चल पट्टी चल पे चल ले चल जाओ, चल लेकिन चल बट्टी साहब का मेरे ख्याल में बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसे पट्टी की तरफ ले जाऊँ, कपड़े अपने क्योंकि वो फुल गेटअप में नहीं आए हुए थे। सीट बराबर कर ली, पैर फसा के इधर खिंच। खैर हमने बट्टी साहब को ऊपर बिठाया, हमने कहा चलो यार तुम थोड़ा सा ना बस इंजॉय ही करो इस नॉर्मल पे यार सुल्तान ठंडा पे। खाना। तो सुल्तान का दिल है था कि एक दफ़ा मैं बट्टी साहब को ना हवाओं की सैर करवाऊं, ध्यान नाल ना, लेकिन बिल्कुल नहीं। ये जनाब छोटा जो ये है भी ये अपने बड़ा ना, ये तेज़ था, छोटा इसका मेहमान बहुत है तो ज़्यादा लगा। ना ये सुल्तान से खुश होता था। और मज़े की बात है इसका दिल बड़ा करता था, क्योंकि बच्चे तो डर जाते हैं यार, हमारे इधर काफ़ी डर जाते हैं, ये तो फिर भी अभी बहुत छोटा था। फिर हमने कहा यार बारी बारी ओके जो है जी ना जो इनको राइड मेहमान है करवाएं, वो यहाँ जो चलो है जी वो जनाब अभी आराम जा रहे हैं आराम से। लेके, वो बट्टी साहब इनको राइड दे रहे हैं थोड़ी थोड़ी ना। खैर वैसे तो बट्टी साहब को भी राइड लिए काफ़ी टाइम हो चुका होगा, क्या मैंने कर तो रहे कहा हैं? यार एक दफ़ा इसको ले जाओ, लेकिन बट्टी साहब का नहीं, हमारे हाँ हाथ जी ऊपर पास हैं। हो गई हो, आप रह गई हो चिड़ने आपने। ओए हरगोश चलो जी, फाड़ ले घोड़े फार्म वाला। मैं इधर एक ही बात कह रहा था, घोड़ा इन्हें लेके फार्म की तरफ ना चल पड़े, क्योंकि इसका दिल बहुत करता है कि मुझे घर की तरफ जाना पड़े। ठीक है, और ये बहुत तेज़ी से जाता है, फिर घर जाए फिर इसे बड़ा मसला और बड़ा इशू हो जाता है। जनाब इसने भी राइड कर ली थी, अब वो दूसरा मुझे रह लेके गया वापस था, सरमत नहीं जाना है। वो कह रहा था मुझे एक दफ़ा फिर चढ़ाओ ना, इसके बाद हमारे सरमत की भी बारी आनी थी। चलो सरमत, हाँ चलो सरमत इधर ही ना, कलर फेस फेस कलर जो है ना चेंज ही हो गया। छोड़ दो, आखिरकार जनाब सरमत साहब ने सही तरह झूला लेना शुरू कर दिया, और उसे सुल्तान ने अच्छी तरह राइड करवाई, और वो बड़ा खुश हो रहा था सरमत जो है ना। सरमत कह रहा था अब तो मैं बड़ा कंफर्ट आज ही फील सरमत कर रहा को हूँ छोड़ सुल्तान दे। पर, सुल्तान तो बिल्कुल बड़े नहीं मज़े से राइड करवाता है यार। बच्चे कह रहे हैं छोड़ दे। मत को बता रहा था कि यार कैसे कैसे इसको पकड़ के रखना है। हाँ जी सरमत साहब आपने उस साइड पे कर लो ना, उसे राइट साइड पे, दूसरी वो खेचो, दूसरी खेचो ना, पकड़ो पकड़ लिया डरना नहीं, बस बस मोड़ दूँ। चलो उधर ले, आराम आराम से उस साइड पे खेच के रखो ना, उस साइड पे। हाँ जी, तो यार आज का हम अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने सारा दिन ना बड़ी थकावट हो गई, और अभी हम सोना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा चलो यार आपको ना व्लॉग का एंड दे दें। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा कि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।